वन प्लस नॉट थ्री का जो है प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो गया है। अभी आपको ये लगभग कर लगा करके 27,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो था 34,000, बाद में कुछ 1-2,000 का डिस्काउंट मिला था, लेकिन अभी इसको हम ह्यूज डिस्काउंट बोल सकते हैं क्योंकि 7,000 का डिस्काउंट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है। तो जैसे कि 27,000 के हिसाब से बहुत लोग कैमरा पर्पज़ की वजह से इस फ़ोन को लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से कैमरा टेस्ट किया है। सारा सैंपल्स आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि अलग अलग लाइट कंडीशन के हिसाब से लिया गया है। वीडियो को पूरा देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैमरा स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है जो कि सोनी का सेंसर है, सोनी IMX890, ठीक है। उसके बाद जो ये सेंसर है वो वॉइस को सपोर्ट करता है फुल एचडी में। 8 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलता है और 2 मेगापिक्सल फिर भी आपको घिसा पीटा कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है और क्या क्या देखने के लिए नहीं मिलता है, तो हम आपको डायरेक्ट कैमरा का इंटरफेस दिखाते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है और क्या क्या देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नाइट मोड देखने के लिए मिलता है। नाइट मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.6x टू देख रहे हैं आप, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है और नाइट मोड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2x का जैसे कि जूमिंग की बात करें तो वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। ऑटो फोकस अगर काम नहीं करता है तो टच फोकस से भी आप काम चला सकते हैं, दोनों आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए ब्लर वाला वीडियो को शूट कर सकते हैं। हम बहुत सारा सैंपल्स आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे, आप बस धीरे रखिए। और नॉर्मली जैसे कि 1x का आपको मिल जाता है और अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हैं वीडियो को। जूमिंग की बात करें तो 10x तक मैक्सिमम जूमिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, फोटो में आपको 20x देखने के लिए मिलेगा जूमिंग। और फ़ायदा यही है कि 4K में आप 60 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें, मतलब फुल एचडी में आप 30 फ्रेम पर सेकंड पे, 60 फ्रेम पर सेकंड पे और 4K में भी 30-60 दोनों में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम और हाई क्वालिटी आप कह सकते हैं। नॉर्मल फोटो की बात करें तो नॉर्मल फोटो 1x है। बहुत सारे फिल्टर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट में हो चाहे वो नॉर्मल में हो, दोनों में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। रीटच वाला जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है इसमें आप अपने से कम ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन को कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में भी फिल्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और पोर्ट्रेट में भी रीटच का ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि आप ब्यूटिफिकेशन को हाई या लो कर सकते हैं। इसमें आपको फ्लेयर पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन मिलता है जो कि सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट है। आप ये वाला पोर्ट्रेट लेकर के जैसे कि आप अब फोटो वगैरह लेंगे तो बहुत अच्छा जो है एक बैकग्राउंड में फ्लेयर का इफेक्ट आपको निकाल करके दे देगा। थेमोर में जाने से यहाँ पे पैनोरमा है, स्लो मोशन है, एक्स्ट्रा एचडी है, फिल्म मोड है, डुअल कैमरा है, प्रो मोड है, माइक्रो है, टाइम लैप्स है, ठीक है। और फिल्म मोड में ये है कि अपने हिसाब से जैसे कि फोटो में अपने हिसाब से जैसे कि ऑटो फोकस, वाइट बैलेंस ये सब चीज़ों को सेट कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें भी जो है आप अपने हिसाब से वाइट बैलेंस को और जैसे कि ऑटो फोकस को, ISO को, एक्सपोजर को ये सब सेट कर सकते हैं, लेकिन ये फुल एचडी पे ही काम करता है, 4K में आप इसको सुनिंग नहीं कर सकते। डुअल वीडियो मोड मिल जाता है, एक साथ में दो कैमरा ऑन रहता है, तो इससे होता क्या है कि जैसे कि आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो दोनों कैमरा को जैसे कि दिखा करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा खास करके ब्लॉगर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मोर में जैसे कि अगर हम जाएं यहाँ पे तो प्रो फोटो में भी वही हम जो आपको बताया प्रो वीडियो में, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपको हिसाब किताब देखने के लिए मिलता है। इसमें आप रॉ फोटो भी ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे टाइम लैप्स मिल जाता है, माइक्रो मिल जाता है। ये माइक्रो की तो बात ही नहीं करेंगे हम, 2 मेगापिक्सल माइक्रो का आप क्या करेंगे। एक्स्ट्रा एचडी जो आप देख रहे हैं वो 50 मेगापिक्सल वाला मोड है। फुल मोड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फुल मोड में बहुत लोगों को फोटो लेना पसंद होता है, लेकिन फुल मोड में एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है नॉर्मल के हिसाब से। अगर जैसे कि हम बात करते हैं जो एक डिफॉल्ट रेशियो होता है उसमें सबसे हाई क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल सेटिंग्स आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, वाटरमार्क, साउंड, शटर स्पीड, यही सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि सेटिंग्स इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो रियलमी, वन प्लस, ओप्पो का फ़ोन होता है वही सेटिंग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सेल्फी कैमरा की जैसे कि अगर हम बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें देखने के लिए मिलता है। अभी ये फुल स्क्रीन पे है, आप इसे अपने हिसाब से भी जो है रेशियो इसका चेंज कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रेशियो हो गया, 4:3 रेशियो जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल एचडी में मैक्सिमम 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन देना चाहिए था यार, आप क्या कर रहे हो, 34,000 का फ़ोन है, 4K का आपको रिकॉर्डिंग इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी पोर्ट्रेट वगैरह मिल जाता है और वीडियोग्राफी में भी जो है आप ब्लर वाला वीडियो ले सकते हैं, जो कि आगे हम सैंपल्स में दिखाएंगे जरूर आपको। तो इंटरफेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फोटोग्राफी की तरफ में। पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे फोटो ये किस तरह से निकाल के देता है आउटडोर में। इंडोर का सैंपल्स हालांकि आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये एक नॉर्मल फोटो है जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए, पोर्ट्रेट है, नॉर्मल नहीं है, सॉरी।
और यहाँ पे पोर्ट्रेट में किस तरह से जो है एज डिटेक्शन कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम जैसे कि नॉर्मल फ़ोटो की बात करें तो नॉर्मल फ़ोटो भी ठीक ठाक निकाल के आता है। हम वीडियो को लास्ट में जो है जूम करके दिखाएंगे आपको, जैसे कि स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको एक्चुअल क्वालिटी पता चलेगा कि क्या क्वालिटी ये निकाल करके दे रहा है। फुल स्क्रीन में जैसे फ़ोटो लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फुल स्क्रीन से भी फ़ोटो बहुत अच्छा निकाल करके दे देता है, बहुत लोगों को फुल स्क्रीन में फ़ोटो लेना पसंद होता है। और ये रहा इसका ओरिजिनल सैंपल्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्वालिटी निकाल करके देता है। अगर आपको फ़ोटो हल्का सा पीला लग रहा है तो आप प्रो मोड का इस्तेमाल करके जो है फ़ोटो को अपने हिसाब से पीलापन कम कर सकते हैं या एडिटिंग करके जो है उसको कम कर सकते हैं, जिसको वार्म बोला जाता है। वार्म फोटो समझ रहे हैं ना, कि वार्म फोटो कूल फोटो उस तरह से। सेल्फी में हालांकि ये चीज़ नहीं है, सेल्फी में आपको ठीक ठाक यहाँ पे एक जो होता है फ़ोटो वो निकाल करके दे देता है, चाहे पोर्ट्रेट लीजिए चाहे आप नॉर्मल कैमरा लीजिए। ये देखिए ये पोर्ट्रेट का सैंपल है, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। यही आपको नॉर्मल फ़ोटो में कुछ इस तरह से आपको सैंपल से निकाल करके दे देगा। हमने बहुत सारा फ़ोटो लिया है, चलिए हम आपको पहले फ़ोटो दिखाते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे वीडियोग्राफी के लिए भी। यहाँ पे इंडोर फ़ोटो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से लिया गया है। हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि फ़ोटो में हल्का सा जो है वार्म कलर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हल्का सा पीला आप कह सकते हैं। सेल्फी में ये चीज़ नहीं है, सेल्फी में ठीक निकाल कर देता है, सेल्फी से कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जैसे कि रियर फ़ोटो की बात करें तो हल्का सा पीला आपको देखने के लिए मिलेगा। और वीडियोग्राफी की बात करें तो ये वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं फुल HD का है, इसमें आपको ब्लर वाला भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आप ब्लर वाला ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप मुंडी वगैरह हिलाएंगे तो उस कंडीशन में भी जो है ब्लर छोड़ता नहीं है, लेकिन अपर्चर आपको कम रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यही सेम सैंपल्स है, बस हमने यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर दिया है, कलर करेक्शन कर दिया है। तो जैसे कि आप YouTube के लिए रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए आप इसे परचेज करेंगे, उस कंडीशन में ये सैंपल्स आपके लिए चलेगा कि नहीं चलेगा आप डिसाइड कर सकते हैं। ये वीडियो जो है 4K का है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4K का ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कलर ग्रेडिंग इसमें हम कर देंगे तो कलर ग्रेडिंग करने के बाद में जो है ये वीडियो आपके लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, और इससे आप जैसे कि रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे जैसे कुछ काम करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है कि नहीं है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेल्फी कैमरा जैसे कि आपको मिलता है इसमें, और फुल HD में जो है आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ब्लर मोड से। और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से जो है यहाँ पे आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर किया है, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। आप बहुत ज़्यादा ब्लर का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा कर रखेंगे तब आपको एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो नॉर्मली ठीक रहेगा। तो अब तो यहाँ तो खैर हम आपको इंडोर का सारा सैंपल्स और वीडियो हमने बता दिया है, अब हम चलते हैं आउटडोर की तरफ में और आउटडोर का फोटो दिखाते हैं कि ये आउटडोर में किस तरह से जो है परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप सैंपल्स देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको सैंपल्स इसमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें नॉर्मल सैंपल्स है। HDR को हमने ऑन करके बहुत जगह पर रखा है। ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा वाइड कैमरा से लिया गया है, ये नॉर्मल सैंपल्स है। बाकी सैंपल्स अब जैसे कि पोर्ट्रेट वगैरह लेंगे तो काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है, चाहे आप ह्यूमन सब्जेक्ट पे ले चाहे या नॉर्मल सब्जेक्ट जो होता है जैसे कि फूल पत्तियाँ ये सब चीज़ का भी पोर्ट्रेट अगर आप लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है बहुत अच्छा ये निकाल करके दे देता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल है तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप काम चला सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा से। अब चलते हैं जैसे कि हम जूम कर करके फोटो ले रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और ये एक नॉर्मल कैमरा है 1x, ये रहा 2x, उसी तरह से ये 5x, और ये आपका रहा 10x, और ये रहा आपका 20x। 20x में जो है बहुत ज़्यादा जो है कल जैसे कि क्वालिटी लॉस हो जाता है। आप यहाँ पे दोनों सैंपल्स को देख सकते हैं, एक नॉर्मल से है, एक आपका यहाँ पे 20x जूम करके लिया गया है। नॉर्मल में क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन 20x में जो है क्वालिटी ख़राब हो जाता है। जूमिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पे चांद को हम जूम करके देख लेते हैं, हालांकि पेरियोस्कोप कैमरा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम जूम करके आपको दिखाते हैं। तो 20x में देख लीजिए बहुत ग्रेन्स आ जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी वर्ड में अगर हम बोले तो जूमिंग के लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि आप 2x तक 3x तक जूमिंग करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जूमिंग करेंगे तो यहाँ पे ग्रेन्स क्लियरली देखा जा सकता है। ये सैंपल जो है 4K का 60 फ्रेम पर सेकेंड का है, जो कि इसका मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है। अगर आप जैसे कि किसी प्रोडक्ट को आउटडोर में शूट करना चाहते हैं तो डस्ट वगैरह सब यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको क्वालिटी बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। OnePlus Nord CE3 में क्या था कि वहाँ पे आपको 4K में 30 फ्रेम पर सेकंड का रिकॉर्डिंग मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 4K में 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिलता है। तो ये इसका क्वालिटी आप देख लीजिए। तो ये अभी हम नॉर्मल चल रहे हैं तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि आपको इसमें OIS का सपोर्ट 4K में देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आपको सिर्फ EIS से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखेंगे 60 फ्रेम पर सेकंड का तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर किसी चीज़ का आप वीडियो बनाना चाहते हैं जैसे कि क्लोज ऑब्जेक्ट है, ऑटो फोकस वगैरह, यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी इशू नहीं है ऑटो फोकस के अंदर में, यहाँ पे आप देख लीजिए। और जैसे कि जूमिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है 10x तक जूमिंग इसका
वीडियो में जाता है, और फोटो में आपको जो है 20x तक का जूमिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और ये है इसका अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से, काफ़ी इस व्यू को वाइड करके मतलब वीडियोग्राफी होता है इसका। और ये 8 मेगापिक्सल है, तो इससे आप ज़्यादा क्वालिटी का एक उम्मीद मत रखिएगा। 8 मेगापिक्सल के हिसाब से फुल एचडी में आपको 30 फ्रेम पर सेकंड का रिकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि कुछ इतना ही है। जूमिंग करने का ऑप्शंस अल्ट्रा वाइड कैमरा में है ही नहीं, तो जो भी है आपके सामने में फिक्स है। इसमें आपको स्लो मोशन रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शंस मिलता है, लेकिन स्लो मोशन में आप यहाँ पे दो किस्म का स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक एचडी और एक फुल एचडी। ये जो सैंपल आप देख रही है फुल एचडी में रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपको फ्रेम मिलेगा वो 120 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्डिंग आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा, जो कि फुल एचडी पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग करना है 240 फ्रेम पर सेकंड, यानी इससे भी ज़्यादा स्लो, तो उसके लिए आपको 720 पिक्सल यानी एचडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये एचडी में रिकॉर्डिंग किया जा रहा है 240 फ्रेम पर सेकंड पे। तो अगर क्वालिटी जैसे कि लो होगा तो फ्रेम इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइम लैप्स को जो है आप फुल एचडी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये टाइम लैप्स का सैंपल्स है, इसको आप फुल एचडी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी निकल के आता है वो ठीक ठाक निकल के आता है, इसमें कोई मतलब जैसे कि कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है क्वालिटी के हिसाब से अगर देखते हैं हम। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 4K में 60 फ्रेम पर सेकंड पे ह्यूमन सब्जेक्ट की यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, और क्वालिटी आप देख लीजिए कि जैसे कि आप आउटडोर में शूटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो अभी हमने आपको नेचर का जैसे कि सैंपल्स दिखाया है, अभी आप जो ये सैंपल्स देख रहे हैं ये ह्यूमन सब्जेक्ट पे है। तो जैसे कि आपका जो एक फेस का क्वालिटी आएगा इस कैमरा से रिकॉर्डिंग करने के बाद में कैसा आएगा, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। और जैसे कि आप हल्का सा पास आ जाते हैं तो ये किस तरह से फोकस करता है फेस को, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा पास अगर आते हैं तो यहाँ पे फेस पे जो डिटेलिंग है वो कैसा है वो भी आप देख करके हमें बता सकते हैं, बाकी क्वालिटी आपके सामने में। और ये जो सैंपल आप देख रहे हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, जो कि 8 मेगापिक्सल फिक्स्ड है, इसमें आप जूमिंग वगैरह नहीं कर सकते, इसमें आपको 4K से क्वालिटी कम मिलेगा, फुल एचडी में आपको 30 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिलता है। तो अगर जैसे कि ह्यूमन सब्जेक्ट पे आप फुल एचडी में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ आ रहा होगा। आई थिंक ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ब्लर मोड से हमने यहाँ पे वीडियो को ऑन रखा है, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं ब्लर हो गया होगा, और अपर्चर जो है वो 3.5 पे हमने सेट करके रखा है, तो आप देख सकते हैं। और जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में ये किस तरह से जो है जैसे कि बैकग्राउंड को ब्लर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए कैमरा में, आप थोड़ा पीछे जाइए ब्लर छोड़ेगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ब्लर छोड़ने पर बताइएगा पीछे में ब्लर छूटने से। अभी है, अभी भी है, पीछे जाइए अभी भी है और पीछे जाइए फिर, अभी भी है, छोड़ दिया होगा मेरे को, बैकग्राउंड ब्लर है अभी भी, और पीछे अब छोड़ दिया। इतना डिस्टेंस जो कि करीब करीब लगभग 15 फीट के आसपास होगा, यहाँ से आप ब्लर वाला वीडियो देख सकते हैं। हालांकि आप जितना क्लोज डिस्टेंस लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पास आ जाओ बस, जैसा कि आपने देखा फुल एचडी में जो आप सैंपल्स देख रहे हैं, और पास आ जाइए ताकि बैकग्राउंड, आप जितना पास आएंगे उतना ज़्यादा ब्लर आपको देखने के लिए मिलेगा। और पास आ जाइए बस आँख में मत घुस जाइएगा, ठीक है। ये देखिए इतना पे आप बैकग्राउंड ब्लर देखिए, बिल्कुल कैमरा के जैसा आपको यहाँ पे इफेक्ट निकाल करके दे देता है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मूविंग ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्डिंग किया जा रहा है इसी OnePlus Nord 3 से, और यहाँ पे जैसे कि आप मूव करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो उस कंडीशन में ये किस तरह से बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम पीछे भी घूम जाते हैं तो कर रहा है, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट जैसे कि हाथ का ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में जो है कैसा करता है वो भी आप देख लीजिए। क्लोज फुटेज लेंगे जैसे कि इसका आप, तो उसमें जो है बहुत शार्पनेस वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो एक बैकग्राउंड का यहाँ पे एज डिडिक्शन वगैरह है वो भी आपको बहुत बेहतरीन इसमें देखने के लिए मिलता है, तो ये इसका एडवांटेजेस। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा स्टडी को हम ऑन करके ले रहे हैं, और काफ़ी स्पीड चल रहा है, मतलब पैदल में ही काफ़ी स्पीड चल रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेबलाइजेशन बिल्कुल एकदम मस्त आ रहा है। दौड़ेंगे भी इस कंडीशन में, यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से स्टेबलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फुल एचडी में जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है, जो कि आपको स्टेबलाइजेशन मोड अलग से मिल जाता है जिसको अल्ट्रा स्टडी शॉट कहते हैं। तो उसमें जो आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा वो पूरा आपको स्टेबल मिलेगा। यहाँ पे अभी हम जूमिंग टेस्ट करके दिखाते हैं इसका। ये रहा आपका 10x तक मैक्सिमम जूमिंग है, ये 5x, ये रहा 10। ग्रेन्स तो आ रहा है भैया, लेकिन स्टेबलाइजेशन है इसमें, ठीक है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जूमिंग क्वालिटी में गई।
तो इंडोर का हमने फोटो वगैरह दिखा दिया, आउटडोर का भी दिखा दिया, सेल्फी सैंपल्स यहाँ पे आउटडोर का आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। सेल्फी में भी आपको फ्लेयर पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो कि रियर कैमरा में भी है और ये भी बहुत अच्छा से कर लेता है। जैसे कि ग्रुप सेल्फी वगैरह भी आप लेंगे तो उस कंडीशन में भी जो यहाँ पे किसी भी तरह का हमने देखा है कि प्रॉब्लम नहीं करता है। और 16 मेगापिक्सल के हिसाब से देखें तो क्वालिटी ठीक ठाक है, जूम भी करेंगे तो क्वालिटी रहता है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी बहुत बेकार हो जाता है। तो ये सब जो सैंपल्स आपने देखा ये सेल्फी का सैंपल्स है, ऑलरेडी हमने बहुत सारा सैंपल्स दिखा दिया है और सेल्फी का आपको वीडियो सैंपल्स भी देखना है इसमें कि वो कैसा करता है, तो चलिए उसे आपको हम दिखाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फुल एचडी में 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। 4K का ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जो एक आउटडोर का क्वालिटी है फेस पे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं बहुत अच्छा है। और एक्सपोजर वगैरह आप देख सकते हैं, डायनेमिक रेंज अगर देखना चाहे आप तो पीछे में ठीक पीछे से लाइट है, तो इस कंडीशन में ये फेस को कैसा कर रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए। और जूमिंग वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है और पीछे एक प्लेन जा रही है आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक चीज़ है कि डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, कि जैसे कि आपका फेस अच्छा से दिख रहा है, पीछे का सामान या किसी पीछे का ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छा से दिखना चाहिए, इसी को डायनेमिक रेंज बोलते हैं। और यहाँ पे आप क्वालिटी अलग अलग जैसे कि करते हैं तो कैसा आपको देखने के लिए मिलता है आप देख लीजिए। स्टेबलाइजेशन इसमें जो है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्मल चलते हैं तो थोड़ा सा जर्क यहाँ पे देखने के लिए आपको सेल्फी कैमरा में देखने के लिए मिलेगा। ये सेल्फी कैमरा से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, इसमें भी आपको ब्लर मोड का ऑप्शन मिल जाता है, डायनेमिक रेंज आपको ब्लर मोड में बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। हम मूव कर रहे हैं, मूव करने के बाद भी यहाँ पे आप देख लीजिए कि वीडियो किस तरह से यहाँ पे निकाल करके दे देता है। वन प्लस नॉट 3 में जो प्रोसेसर लगा है ये उसी का कमाल है। देखिए कैमरा सेंसर का तो खैर कमाल होता ही है लेकिन साथ में जो है प्रोसेसर का भी बहुत बड़ा योगदान आप कह सकते हैं। और यहाँ पे किस तरह से ये बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है क्लियरली आप नोटिस कर सकते हैं। सेमी लाइट कंडीशन के हिसाब से जैसे कि हम अगर बात करें, सेमी लाइट कंडीशन मीन्स जैसे कि हल्का सा लाइट भी हो और अंधेरा भी हो, जैसे कि शॉप के बाहर आप देखते हैं ना हल्का सा लाइट होता है, रात होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाइट होता है, उस कंडीशन में यहाँ पे फोटो देख लीजिए कैसा निकाल के दे रहा है। ह्यूमन सब्जेक्ट पे भी काफ़ी अच्छा फोटो यहाँ पे ये निकाल करके दे देता है। पोर्ट्रेट में लेंगे तो बहुत अच्छा लाइटिंग को ये मैनेज करता है उस कंडीशन में। आप यहाँ पे देखिए कैसा यहाँ पे कम लाइट है फिर भी ठीक ठाक निकाल के दे दिया। अब एक्सट्रीम लो लाइट में यहाँ पे देख लीजिए आप सैंपल, ये हमने डिस्प्ले का फ्लैश लाइट ऑन करके लिया है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन डिस्प्ले का फ्लैश लाइट ऑन होने के बावजूद जैसे कि आप मान लीजिए कि आप नाइट मोड को ऑन कर लेंगे सेल्फी में तो कुछ ऐसा आपको सैंपल्स देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ जाएगा लेकिन ग्रेन्स उसमें आ जाता है, ये चीज़ हमने नोटिस किया था। और जैसे कि रियर कैमरा से फोटो लेंगे नॉर्मल में तो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, पोर्ट्रेट में फोटो लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हालांकि लाइट का कंडीशन सेम है तो दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए। और फ्लैश लाइट ऑन करके लेंगे तो कुछ ऐसा आपको फोटो देखने के लिए मिलता है। तो इसमें सिंगल फ्लैश है, डुअल फ्लैश नहीं है, डुअल फ्लैश आपको देखने के लिए मिलता है पीछे में लेकिन एक ही फ्लैश काम करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे फोटो वगैरह आप नोटिस कर सकते हैं। वीडियोग्राफी की बात करें तो सेम वही हमने आपको कहा कि हल्का सा लाइट बाहर का लेकिन रात का कंडीशन है तो कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। और ये रियर कैमरा से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है तो यहाँ पे लाइटिंग का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो आप ग्रेन्स को नोटिस करो कि इसमें ग्रेन्स है कि नहीं। अगर हम फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं इस कंडीशन में आप देख लीजिए ये किस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये सेल्फी में फुल एचडी में रिकॉर्डिंग किया जा रहा है जो कि मैक्सिमम 30 फ्रेम पर सेकंड पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें आप देख लीजिए सेम कंडीशन है, अभी हम डिस्प्ले फ्लैश लाइट को ऑन कर दिए हैं। डिस्प्ले का फ्लैश मीन्स जैसे कि उसका जो लाइट निकलता है डिस्प्ले का वही लाइट, उसी लाइट से आप देख लीजिए कि ऐसा आपको इसमें सैंपल देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसे बंद कर देते हैं और ठीक लाइट के कंडीशन के साइड में अगर चलते हैं हम खिड़की के साइड में तो यहाँ पे देखिए ऐसा आपको सैंपल देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इसमें हमने बहुत सारा सैंपल्स दिखाया है, जिसमें फोटो सैंपल था, वीडियो सैंपल्स था, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। अब हम चलते हैं जूमिंग की तरफ, मतलब जूम करके दिखाते हैं फोटो में कितना क्वालिटी देखने के लिए मिलता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा से हमने पहले ही आपको कह दिया था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मतलब एक तरह से काम चला सकते हैं, बहुत हेवी क्वालिटी का जो एक आप सोच रहे हैं कि आएगा फोटो तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल जूम करेंगे तब ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो क्वालिटी नहीं मिलेगा। नॉर्मल जैसे कि पोर्ट्रेट की फोटो की बात करें अगर हम तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2.4 MB से लेकर के लगभग 3.5 MB तक ये जाता है पोर्ट्रेट का अकॉर्डिंग टू लाइट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें इसलिए कम स्पेस लिया जाता है कि क्योंकि पीछे का तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है तो वहाँ पे डिटेलिंग उतना मैनेज किया नहीं जाता है, सिर्फ जो मेन ऑब्जेक्ट है उसी की तरफ डिटेलिंग रहता है, तो इसीलिए इसमें MB आपको कम देखने के लिए मिलता है। तो जूमिंग करने के बाद यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपको क्या क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। ये एक नॉर्मल जैसे कि कैमरा से आपने फ़ोटो लिया है 3.2 MB आया है,
लेकिन यही फ़ोटो के एक और हम दिखाएंगे उसमें लगभग 6 MB के आसपास निकल गया था। तो यहाँ पे जूम करने से आप नोटिस कीजिए क्वालिटी कैसा है। और सेम फ़ोटो जैसे कि अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें कि पोर्ट्रेट में ये कैसा जूमिंग करने के बाद में दे रहा है, तो उसका भी हमने यहाँ पे दिखाया है जो कि आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जैसे कि हम फ़ोटो क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो देखिए बहुत बढ़ा चढ़ा के हम नहीं कहेंगे कि बहुत एडवांस कैमरा है इनका। जो OnePlus Nord CE 3 में था जैसे कि उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे लग रहा है, बहुत एडवांस नहीं है। प्लस पॉइंट मुझे एक ही लगा है इसमें कि जैसे कि इसमें आपको 4K में 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिलता है और प्रोसेसर बहुत तगड़ा इस फोन का मिलता है कंपेयर टू CE 3 के मामले में अगर हम करते हैं तो। बाकी यहाँ पे सेल्फी का भी देख लीजिए, सेल्फी में ठीक ठाक क्वालिटी रहता है 16 MP के हिसाब से हम देखते हैं। और इसमें रॉ फोटो भी आप ले सकते हैं, रॉ का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, वो आपको ज़्यादा MB बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो यहाँ पे आपने फ्लेयर पोर्ट्रेट का जो है फोटो देखा जूम करने के बाद में जो है कितना यहाँ पे क्वालिटी होता है नहीं होता है। ये देखिए ये 6 MB का फोटो है, हमने कहा था ना आपको अलग अलग डिटेलिंग, जैसे जिस हिसाब से पीछे में डिटेलिंग रहेगा उसी हिसाब से जो है यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट बनता है, MB बनता है। बाकी यहाँ पे लो लाइट का भी एक जूम करके देख लीजिए कि ये कितना अच्छा क्वालिटी निकाल के देता है। इसमें जूमिंग करने के बाद बाकी का तो पता नहीं, लेकिन फ्लेयर जो निकल के आता है पीछे में, जो DSLR का एक इफेक्ट निकल के आता है, वो बहुत अच्छा लगता है हमें। ये रियलमी के फ़ोन में भी देखने के लिए आपको मिलेगा। फ्लेयर पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन होता है जो कि फ़िल्टर से जा करके उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हमने आपको जितना भी सैंपल्स दिखाया है वो सारा सैंपल्स देखने के बाद आप ज़रूर जज कर पाएंगे कि OnePlus Nord 3 का कैमरा जो है कैसा है। और जो लोग सोच रहे हैं कि OnePlus Nord CE 3 और OnePlus Nord 3 सिर्फ लेना है तो दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा, दोनों में से देखिए बेहतरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिलता है, बाकी सेल्फी कैमरा दोनों का सेम है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।